भारत अनेकताओं और अनोखी परंपराओं का देश है। एक तरफ सूखे से निपटने के लिए आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने क्लाउड सीडिंग के जरिए कृत्रिम बारिश का सफल परीक्षण किया है, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक के मांड्या जिले में बारिश के लिए ऐसा काम किया गया जिसे सुनकर आपको ताजुब होगा। कर्नाटक के मांड्या जिले में बरसात के देवता इंद्र को खुश करने के लिए दो लड़कों की आपस में शादी कराई गई है। गंगेर हल्की गांव में पिछले साल की तुलना में इस साल बहुत कम बारिश हुई है। सूखे के डर से परेशान गांव वालों ने अच्छी बारिश के लिए शुक्रवार की रात दो लड़कों की शादी करा दी। एक लड़के को दूल्हे के तौर पर सजाया गया, जबकि दूसरे लड़के का मेकअप करके उसे दुल्हन बनाया गया। दुल्हन ने गहने और चमकदार साड़ी पहनी। इसके बाद गाजे बाजे के साथ नाच गाना हुआ और विधि विधान से दोनों की सांकेतिक तौर पर शादी कराई गई। बारिश विवाह के बाद उनका रिसेप्शन भी किया गया और गांव में दावत हुई। लोगों ने बारिश की कमी को पूरा करने के लिए बारिश के देवता से प्रार्थना की थी। इस गांव के लोग बारिश नहीं होने पर पहले भी पुरानी और ढकियानुषी परंपराओं का सहारा लेते रहे हैं। यहाँ के लोग बारिश के देवताओं को खुश करने के लिए कई और अजीबो गरीब परंपराओं का पालन करते हैं। बारिश के लिए आपने मेंढक और मेंढकी की शादी करने की तमाम खबरें भी देखी होंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि 21वीं सदी के भारत में बारिश के लिए दो लड़कों की शादी करना कितना उचित है? क्या लड़कों या मेंढकों की शादी कराने से बारिश होती है? आजादी के 75 साल बाद भी भारत इतना पिछड़ा हुआ है कि लाखों लोग बारिश के लिए आज भी ऐसी परंपराओं का पालन करते हैं। ऐसे में जो लोग भारत के विश्व गुरु बनने का दावा करते हैं उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए।